आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम टंकी के अंदर घुसेंगे भी नहीं, टंकी को पूरा खाली भी नहीं करेंगे और पानी के अंदर जो भी बालू मिट्टी रहती है उसको हम बिना घुसे बिना रगड़े निकाल देंगे। इसके लिए आपको किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से जुगाड़ से आप अपने घर का टैंक बिल्कुल साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी इस टैंक के अंदर से हमने निकाली है, वो भी बिना टैंक के अंदर घुसे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो आज मैंने बनाया है दोस्तों, ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आपके घर में भी कुछ इसी तरह की मिट्टी आपके टैंक के अंदर जम जाती होगी और जिसे साफ़ करने के लिए आपको टैंक के अंदर घुसना पड़ता होगा या किसी को बुलाना पड़ता होगा। तो आज का वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ओवर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसका नाम है वरदान पकवान और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिभा श्री सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस तरह की बोतल की, और यही नहीं कोई भी आप बोतल ले सकते हैं, पानी पीने वाली भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास पेप्सी या शायद कोको कोला की बोतल है। अब ढक्कन को मैंने हटा दिया है और किसी चाकू की सहायता से इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं या फिर आप चाकू को थोड़ा सा गर्म करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये बोतल कट जाएगी। ये देखिए मैंने इसको काट के अलग कर लिया है, पीछे वाले पार्ट को हम फेंक देंगे और आगे वाला ही पार्ट हमें यूज़ करना है। और अब हम एक सीज़र लेंगे और इसकी सहायता से इस तरह से हम छोटे छोटे कट इसके चारों तरफ बना देंगे। ध्यान रखिएगा ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो बोतल है ना आपके टैंक से मिट्टी नहीं उठाएगी। तो इस तरह से कट लगाते जाइए पूरे चारों तरफ। तो देखिए मैंने सारे कट यहाँ पर लगा दिए हैं और अगले क्या करना है चलिए मैं बताती हूँ। और अब हमें चाहिए इस तरह का पाइप। ये देखिए इस तरह का पाइप आपको आराम से दुकान पर भी मिल जाएगा, ये वही पाइप है जिससे हम टंकी की फिटिंग वगैरह कराते हैं। अब इस बोतल को लगा देंगे हम इस पाइप के आगे। आप चाहें तो थोड़ा सा जो बोतल है उसको गर्म करके लगाइएगा तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए बढ़िया से ये फिट हो गई है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे लगा देंगे हम टेप। तो ये देखिए फटाफट इस पे टेप हम लपेट लेते हैं। इससे क्या होगा, ये पानी के अंदर जब जाएगी ना तो निकलने का डर भी नहीं रहेगा कि छूट के गिर जाए निकल जाए। तो इसको अच्छे से लपेटने के बाद बढ़िया से दबा दीजिएगा जिससे एकदम फिक्स हो जाए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, देख के आप खुश हो जाओगे। तो ये देखिए मैंने इसको बढ़िया से यहाँ पे लपेट दिया है और ये अब एकदम तैयार है। तो चलिए अभी एक काम और रह गया है, वो भी बताती हूँ क्या करना है। और अब हमें चाहिए इस तरह का पाइप। तो ये तो पाइप हम लोगों के घर पे हमेशा होता ही है, साफ़ सफाई लोग हम लोग करते हैं, तो इस तरह का पाइप आप ले लीजिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप दुकान से इसको ले आइएगा। और उसका ये वाला जो सिरा है, ये देखिए ये वाला सिरा हमें पाइप के दूसरी साइड में लगाना है। तो ये पाइप इसके अंदर मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा ये जाएगा नहीं, मतलब थोड़ा सा इसके साइज का ही है तो थोड़ा सा मैं दबा दूँगी इसको, मतलब एक साइड से हल्का सा पिचका दूँगी ना तो ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से बढ़िया से इसे प्रेस कर देंगे, मतलब जितना भी अंदर ये जा सके उतना अंदर इसको इस तरह से हमें डाल देना है। तो पाइप के डालने के बाद अब ये वाली जगह है ना इस पर भी हम टेप लगा देंगे जिससे कि ये छूट के गिरे ना, मतलब अच्छे से फिक्स हो जाए यहाँ पर। बीच बीच में वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रही हूँ जिससे आप कम टाइम में अच्छे से देख पाएँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से कट करने के बाद बढ़िया से इसको मैंने चिपका दिया है। अब क्या करना है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी छत पर और टैंक को यहाँ पर हम खोल रहे हैं और ये टैंक बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा, आप एकदम लाइव देखेंगे इस चीज़ को। ये देखिए मिट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो काली काली सी है ना वो मिट्टी है सारी। और जो टैंक है अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदा है क्योंकि इसको हमने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था। तो चलिए जो पाइप हमने बनाया है ना वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये जुगाड़ बन के तैयार हुआ है, इसको डाल देंगे हम टैंक के अंदर और जहाँ आपको ये मिट्टी दिख रही है ना यहीं पर डालेंगे। ये देखिए कैसे मिट्टी उठ गई है ऊपर, तो बिल्कुल नीचे इस तरह से हल्के हल्के हम घुमाते जाएंगे मिट्टी के पास। और अगर इस तरह से डालने के बाद आपको लगे कि पानी पाइप से बाहर नहीं निकल रहा है तो आप अगर मुझसे थोड़ा सा खींचेंगे ना तो ये पानी पाइप जो है बाहर फेंकने लगेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुँह से थोड़ा सा पानी ऊपर खींचना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा खींचने के बाद इस तरह से नली डालनी है और देखिए कैसे पानी ये फटाफट यहाँ पे निकल रहा है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, वैसे तो आप जैसे ही इसमें डालेंगे ना वैसे तुरंत ही ये पानी अपने आप छोड़ने लगेगा, अगर ना छोड़े तो इस तरह से मुँह से ज़रूर खींचना है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा इसे इधर डाल देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख पाएँ कि इसके अंदर से कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी सारी है यहाँ पर, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे देखिए कितनी सारी मिट्टी यहाँ पे रह गई है। और ये एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा, जितनी भी मिट्टी है सारी खींच के बाहर निकाल देगा।
तो यहाँ पे इसको ना इस तरह से धीरे धीरे घुमाना है, बहुत जल्दी जल्दी मत घुमाइएगा वरना क्या होगा, ये मिट्टी सारी ना घुल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, मिट्टी निकलना शुरू हो गई है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये सारी टैंक की मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से घुमाना है, आप देखते जाइए धीरे धीरे से, ये नीचे से जितनी भी मिट्टी होगी ना सारी एक एक कड़ खींच लेगा। फिर आप कहीं सारी मिट्टी ऐसे ऐसे करके घोल दो, फिर बाद में बोलो कि दीदी हमने तो किया था तो हुआ ही नहीं, फिर आप लोग कमेंट करते हो। तो देखिए बिल्कुल मिट्टी पे ही आपको रखना है और धीरे धीरे आपको खींचना है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी, वही टैंक की काली मिट्टी निकल रही है जो इस टैंक के अंदर भरी हुई थी। तो इस जुगाड़ से आप अपने टैंक को अच्छे से साफ कर सकते हो, किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, अकेला बंदा भी इसको साफ कर सकता है। और एक बार इस बनाकर जुगाड़ को रख लीजिए और इसके बाद जब मन करे तो इसी तरह से मिट्टी निकाल दीजिए, बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है, आराम से एक बार बनाइए और सालों साल चलाइए। गले सड़ने वाली तो चीज़ है नहीं कि ये गल और सड़ जाएगी। तो आप मिट्टी देख सकते हैं कितनी सारी मिट्टी है और कैसे धीरे धीरे ये कम हो रही है, देख रहे हो ना आप, एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह ये काम कर रहा है, एक छोटा सा जुगाड़। तो इस तरह से टंकी से साफ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 10 मिनट लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा मिनट आपको लगेगा ही नहीं, सारी ये नीचे ही नीचे सारी मिट्टी खींच लेगी और आपको पूरा टैंक भी खाली करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही मिट्टी बैठी होती है ना, ये देख सकते हैं आप, देखिए कैसे ये क्लीन होता चला जा रहा है। और अगर आपका टैंक पूरा भरा हुआ होगा ना तो पूरा टैंक खाली भी नहीं होगा और आपकी मिट्टी फटाफट निकल आएगी। तो मेरा टैंक जो ना थोड़ा सा भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं था। वैसे सोचा तो मैंने ये था कि शाम को ये वीडियो बनाती हूँ, पर शाम को ना छत पे इतने सारे बंदर आ जाते हैं कि वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम जो दोपहर का टाइम होता है ना तो जो बंदर हैं छत पे नहीं आते हैं। और ये देखिए टैंक के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना काला काला सा छोटा छोटा सा, ये मिट्टी नहीं है, ये खार है पानी की, जो पानी खारा होता है ना उसकी खार, इसकी वजह से ना टैंक की सारी दीवारें इस तरह से हो जाती हैं। तो ये लगभग सभी के टैंक में हो जाती हैं, तो ये छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, ये तो देखिए नहीं छूटेगा। पर ये मिट्टी वगैरह नहीं है, गंदगी ऐसी नहीं है कि जो नुकसान करे, तो ये जो मिट्टी वगैरह है वो तो निकाल देता है, पर आपको ये दीवारें साफ कर देगा, दीवारें साफ नहीं करेगा, कि ये तो दीवारें बिल्कुल भी साफ नहीं होने वाली है कोई सा भी टैंक हो। फिलहाल मेरा टैंक जो है काफ़ी पुराना है, लगभग 15 साल हो गई होंगी इसको, तो दीवार पर ना ज़्यादा ही खार जम गई है। और आप देख सकते हैं आप कितनी सारी मिट्टी इसने अंदर से खींच के निकाल दी है, ये देखिए वही काली काली इतनी मिट्टी है जो हम जब घुसते हैं तभी निकल के आती है। तो इस तरीके से आपके टैंक की जो भी मिट्टी है, बालू है, रेत है, वो आप इजीली क्लीन कर पाएंगे और जल्दी जल्दी आप कर देंगे ना तो ये बनेगी भी नहीं, मतलब हल्की सी जब बनना स्टार्ट हो ना तभी आप टैंक के अंदर डालिए और घुमा दीजिए, तो लगभग आपको 1 या 2 मिनट लगेगा और सारी मिट्टी बाहर हो जाएगी। और इतनी कड़कती धूप में मैंने ये यूजफुल वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया है, तो इसे लाइक और शेयर करना तो ज़रूर बनता है। तो ये देखिए सारी की सारी मिट्टी ये निकल के बाहर आ गई। तो जितना भी मैंने ये साफ सफाई का काम किया है सारा के सारा आपके सामने एकदम लाइव किया है, जिससे आप अच्छे से देख पाएं, अच्छे से सीख पाएं कि किस तरह से टैंक को आप बहुत ही आसानी से बिना किसी की मदद से इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस बोतल में इसके पानी को मैंने घोला है और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा ये पानी है, बिल्कुल काला काला। और यही पानी हम लोग यूज़ करते हैं अपने नहाने में, धोने में, और आरओ का पानी भी तो इसी तरह से इस टैंक के ही ज़रिए हमारे आरओ के अंदर जाता है, तो ये कितना ज़्यादा नुकसान करता है तो ये आप ये देख ही सकते हैं। तो ये देखिए टैंक बढ़िया से साफ हो गया है और ये जो काला काला आपको दिख रहा है ये मिट्टी नहीं है, ये देखिए मैं इस तरह से डंडे से इसको हिला रही हूँ ना, तो मिट्टी होती तो अब तक उड़ गई होती, मतलब टैंक के अंदर फैल गई होती। ये देखिए मैं से हम चलाते हैं ना डंडा तो मिट्टी फैल जाती है, तो ये देखिए फैल नहीं रही है, ये है ही ऐसा टैंक, मतलब काला हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया ना। तो यहाँ पे टैंक को भी मैंने चला दिया है जिससे टैंक भर जाए, ये आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, वरना आप फिर कमेंट करके बोलते नहीं नहीं मिट्टी रह गई, ये देख सकते हैं आप मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रही है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा टैंक यहाँ पे साफ हो गया है। आई होप आज का ये यूजफुल वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली सोशल साइट पर। मिलती हूँ ऐसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।